Alright, so let's continue our discussion of the step-by-step process for moving from Ireland to Canada, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो UK to Canada, क्योंकि process relatively same रहेगा. बाकी let's get started with stage number 3. And by the way, अगर आपने इससे पहले की दो stages नहीं देखी होंगी कि step-by-step process क्या है या कैसे है, या फिर आपको Canada के PR के advantages के बारे में जानना है, या फिर if you want to know कि मैंने Ireland क्यों छोड़ा first place में, I leave the link of all of these videos below the like and subscribe button. Feel free to check that out. बाकी let's get started with stage number 3, which is collection of two documents. वैसे देखा जाए तो डॉक्यूमेंट कलेक्शन बहुत बड़ा फेज़ है अपने आप में, लेकिन एप्लीकेशन से एक्चुअली पहले देखा जाए तो मैंने जो है अपने टाइम पे दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पहले कलेक्ट किए थे, देन आई अप्लाइड. पॉइंट नंबर 1 आइल्स का डॉक्यूमेंट, पॉइंट नंबर 2 ECA. ECA स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट. अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप कैनेडियन गवर्नमेंट को बता रहे हो कि यार जो मैंने अभी तक की एजुकेशन करी है, राइट, इंडिया में बैचलर्स करी है या जो भी है, आयरलैंड में मैंने मास्टर्स करी है, हायर डिप्लोमा लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया है, वो आपके एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बैलेंस्ड आउट है, फेयर है, इक्वली रिस्पेक्टेड है, राइट. कभी कभी क्या होता है, अगर हम किसी दूसरे स्टैंडर्ड लोन कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से फॉर दैट मैटर मास्टर्स कर लेते हैं 2 साल की, पता चले यार वो दूसरी जगह पे वैलिड ना हो, राइट, तो कैनेडियन गवर्नमेंट उसको मास्टर्स की लेवल की रेपुटेशन नहीं देती, वो बोलते हैं नहीं हम बोलेंगे कि आपने बैचलर्स किया है, राइट. तो आप रिपोर्ट बनवाते हो, ECA रिपोर्ट, और वो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी पड़ती है. अब इसके अंदर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है कि यार आइल्स में कितने बैंड आने चाहिए, आइल्स कौन से चाहिए. मैं आपको ये बेसिक सब बता देता हूँ, आपको आइल्स जो है वो जनरल एग्जाम देना है, आइल्स एकेडमिक एग्जाम नहीं देना है, राइट. एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बैंड्स होते हैं वो आपको अचीव करने होते हैं, उसके हिसाब से कुछ आपके पॉइंट्स बम्प अप होते हैं, वो सब के बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा. बट ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंने पहले कलेक्ट किए थे, देन आई मूव्ड ऑन टू द यू नो नेक्स्ट स्टेज विच इज़ एक्चुअली अप्लाइंग. अब यहाँ पे यू नो कहीं ना कहीं जो एजेंट्स होते हैं, जो कंसल्टेंसीज होती है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले बोलती है कि यार आप एक काम करो, पहले अप्लाई कर दो, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते रहना बाद में, विच इज़ आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. आपको पहले डॉक्यूमेंट्स, ये दो डॉक्यूमेंट्स तो खास करके कलेक्ट करने चाहिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बाद की बात है, लेकिन उसके बाद आप अप्लाई करो, राइट. बहुत सारे लोगों का आइल्स एग्जाम ही क्लियर नहीं होता, आपको एप्लीकेशन आप कर दोगे वो खाम का पड़ी रहेगी, कोई फायदा नहीं है, राइट. एक्चुअली आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सपायर भी हो जाती है, तो इट्स जस्ट आई थिंक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू हुक अप पीपल, क्या पैसे दे दो, उसके बाद आप करते रहो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एप्लीकेशन अप्लाई करते रहो जैसे भी है. तो मैंने पहले क्या किया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए थे, देन आई अप्लाइड. अब जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ी है, बहुत टीडियस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, राइट. क्योंकि उसमें ये समझ लो आपकी पूरी जन्म कुंडली चली जाएगी, आप पिछले 10 साल में कहाँ रहे हो, डेट्स वाइज बताओ, कौन सी जॉब्स करी हैं, कौन सी एक्चुअल में आपके टाइटल्स रहे हैं, उसके एग्जैक्ट डेट टू डेट्स मुझे यू नो आपको एप्लीकेशन में एंटर करना पड़ेगा, कौन सी कंट्रीज आपने घूमी है वो भी आपको डेट टू डेट एंटर करना पड़ेगा. सो देर इज़ अ टन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट गोज़ इनटू दिस एप्लीकेशन फाइलिंग. बट एक बार आपकी एप्लीकेशन जब बन गई तो उसके बाद की जो लास्ट स्टेज आती है वहाँ पे आपको अपनी एलिजिबिलिटी बतानी पड़ती है कि आप चाहोगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो PNP, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, में कंसिडरेशन हो या ना हो, आप चाहोगे कि आपकी एप्लीकेशन PNP में कंसिडर हो. तो मैंने अपने टाइम पे यार ये चीज़ सोची थी कि वाई नॉट, यू नो जितनी ज़्यादा आईज मिले, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविंस जो है वो कंसिडर करना चाह रहा है, क्यों नहीं, बिल्कुल करो, एंटायर कनाडा की गवर्नमेंट भी करे और जो स्पेसिफिक प्रोविंसेज है वो भी करे, हमें तो भाई यू नो जाने से मतलब है ना, चाहे जैसे मर्जी जाएं. बाकी इसके बाद आप अप्लाई करते हो एंड देन यू पे अप द फीस, और फीस कितनी है वो भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है. जब आप फीस दे देते हो देन दैट मीन्स कि आप पूल के अंदर हो, जो पूल होता है ना, काफ़ी सारे अलग वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स होंगे, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, कोई डिपेंडेंट लोग भी होंगे, वो सारे के सारे एक ही पूल में आते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यू नो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये है कि आपने अपील करी है गवर्नमेंट से कि यार ये मेरी एंटायर प्रोफाइल है, मैं पूल में हूँ, मेरे इतने पॉइंट्स बन रहे हैं, आई कम बैक टू दैट इन जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड देना मुझे, और अब आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करो, प्रोसेस करो, अगर इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है प्लीज़ लेट मी नो. अब एक बेसिक सा फिनोमेना ये है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन डन हो जाती है, कंप्लीट आप कर देते हो, जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो एप्लीकेशन में, राइट, उसके हिसाब से आपको एक सर्टन पॉइंट्स मिलते हैं. कैनेडा का एंटायर PR एप्लीकेशन का जो सिस्टम है वो कुछ पॉइंट्स के हिसाब से चलता है, राइट. बेसिक सा फंडा है, मान के चलो कि जैसे आप यू नो 12th के बाद आपकी कुछ परसेंटेज आई, ठीक है, वो जो परसेंटेज है वो आपके एग्जाम एंटर करने के बाद आपको एक परसेंटेज मिलती है, राइट, कि हाँ भाई आप इतने आपकी परसेंटेज है. एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, जो आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करी है अपनी एप्लीकेशन में उसके हिसाब से यू विल गेट सम पॉइंट्स. कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हैं कि आप अपनी परसेंटेज कैसे बंप अप कर सकते हो, जैसे आइल्स फॉर वन इंस्टेंस, एंड देन विद दैट स्कोर आप अप्लाई करते हो. अब मैं आपको एक बेसिक सी एनालॉजी बताता हूँ, राइट, जो परसेंटेज होती है, जैसे आपकी 12th में जितनी परसेंटेज आई, राइट, उसके बाद आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके अप्लाई करते हो, DU में, IIT में, XYZ यूनिवर्सिटीज़ में, और वो अपनी इंडिविजुअली एक कट ऑफ निकालते हैं. अगर आपकी रैंकिंग, आपकी परसेंटेज उस कट ऑफ से ऊपर है तो आपको एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगी, लेकिन अगर उस रैंकिंग से नीचे है तो आपको एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं आएगी, सिंपल, राइट. एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे भी है, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी इंडिविजुअली कट ऑफ निकालती है,
तो आपका जो स्कोर है अगर उस कट ऑफ से ऊपर है तो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट इनविटेशन भेज देगी कि हाँ भाई आपकी पूरी प्रोफाइल बढ़िया है, अब हम आपकी एप्लीकेशन जो है वो पूल में से उठा रहे हैं और अब हम प्रोसेस करना चाहेंगे, ठीक है, तो आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट समेत दीजिए, राइट। बट मेरे टाइम पे यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट था, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब जैसे कि मान लो यूनिवर्सिटीज़ को राइट है कि वो अपनी इंडिविजुअली कट ऑफ निकाल सकते हैं, राइट, जो कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड बाय दैट यूनिवर्सिटी उनको भी इंडिविजुअली राइट है कि वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को रीच आउट करके बोल सकते हैं कि हाँ यार आपकी एप्लीकेशन अच्छी है, हमारी इंडिविजुअल कट ऑफ ये है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की कट ऑफ से थोड़ी सी नीचे रहती है जनरली, जैसे अगर यूनिवर्सिटी 95% कट ऑफ निकाल रही है तो वो 92% के आसपास कट ऑफ निकालेंगे। यहाँ पर जो है कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी कट ऑफ निकालती है तो प्रोविंसेस जो हैं, जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, ऑन्टेरियो, नोवा स्कॉशिया, न्यू लैब्राडोर, ये जितने भी जो सास्केचुआन फॉर दैट मैटर जितने प्रोविंसेस हैं वो भी अपनी इंडिविजुअली कट ऑफ निकालते हैं और उसके हिसाब से लोगों को रीच आउट करते हैं कि आपकी प्रोफाइल हमें अच्छी लगी, आपका इतना स्कोर है, इतनी क्वालिफिकेशन है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और उसके हिसाब से व्हाई डोंट यू अप्लाई टू अस डायरेक्टली, ठीक है ना। मेरे पास ये सिचुएशन थी क्योंकि मेरा जो स्कोर बन रहा था दैट वाज 481 और जब मैं अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे जो कट ऑफ निकल रही थी वो 469, 470, 468 इसके आसपास निकल रही थी। तो मैंने ये सोचा कि यार मेरा स्कोर तो अबव बन ही रहा है, राइट, तो बल्ले बल्ले तो हो ही जाएगी। मगर अब वंस अगेन मेरा प्रोसेस है इतना सिंपल सोवर नहीं चलता। उस टाइम पे सीन ये था, कोविड पीक पे था एंड फॉर सम रीज़न कैनेडा ने फेडरल स्किल वर्कर वाले ड्रॉज निकालने बंद कर दिए थे, तो मेरे पास जेन्युइनली कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। तो फॉर्चुनेटली इनफ मुझे ऑन्टेरियो की तरफ से इन्विटेशन आ गया कि यार आपकी एप्लीकेशन अच्छी है, आपका स्कोर ठीक है, व्हाई डोंट यू अप्लाई टू अस डायरेक्टली, राइट। तो फिर मैंने सोचा यार इट्स मच बेटर, जाने से मतलब है और अपनी स्ट्रीम में जाने से मतलब है और मुझे एनी विच वेज ऑन्टेरियो ही जाना था, माइट एज वेल अप्लाई टू ऑन्टेरियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट स्टेज ये थी कि ऑन्टेरियो की तरफ से आपको इन्विटेशन आता है विच यू हैव टू एक्सेप्ट, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया ऑब्वियसली एंड देन दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो आपको दोबारा भरनी पड़ती है, वो स्पेसिफिकली ऑन्टेरियो के लिए होती है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर्स, आपकी खुद की जो है फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड कैसा है कि आप यार प्रोविंस पे आके डिपेंडेंट तो नहीं हो जाओगे, उनसे यू नो सोशल मांगना तो नहीं स्टार्ट हो जाओगे, ये सब। तो बेसिकली यू हैव टू सेल योरसेल्फ कि हाँ यार आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास मैं फाइनेंशियली भी साउंड हूँ, एजुकेशनली भी क्वालिफाइड हूँ फॉर दैट मैटर, तो आई विल बी ओके। और ये सब चीज़ें आप प्रोविंस को बताने के बाद आप उनकी पूरी एप्लीकेशन भरते हो जैसे मैंने उस टाइम पे भरी थी। अब इसके बाद एक उनका स्पेसिफिक प्रोसेसिंग टाइम होता है, कुछ महीने लेते हैं, मैंने टाइमलाइंस अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट। उसकी एक अलग से कॉस्ट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, राइट, आप उनके टाइम की कॉस्ट तो दो गई, तो वो भी मैंने पे किया था। एंड देन क्योंकि आप स्पेसिफिकली उनको अटेंशन दे रहे हो एज अ ग्रैटिट्यूड, व्हाट दे डू इज, आप ग्रैटिट्यूड मान लो हालांकि होता नहीं है बट एज अ ग्रैटिट्यूड व्हाट दे डू इज, आपके पॉइंट्स में जितने आपके पॉइंट्स होते हैं दे ऐड 600 पॉइंट्स मोर। तो जैसे अगर मेरे 481 थे, राइट, तो उन्होंने 600 पॉइंट और ऐड कर दिए थे विच इज 1000 प्लस ऑटोमेटिकली पॉइंट्स हो गए थे, राइट। उसके बाद जो है यू कम बैक टू द सेम पूल जहाँ पे आपकी सबकी असेसमेंट होती है, मगर पहले जो सिचुएशन थी कि आप 481 पॉइंट्स के साथ यू नो उस पूल में थे, नाउ आप सेम पूल में हो बट आप 1000 प्लस पॉइंट्स के साथ उस पूल में हो, तो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। एंड देन मेरी एप्लीकेशन की जर्नी में जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ड्रॉज निकाले स्पेसिफिक टू PNP, फेडरल स्किल वर्कर वाले ड्रॉज नहीं निकाले, स्पेसिफिक टू PNP। कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जिन जिन के पास PNP का नॉमिनेशन है सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे, बाकी सब नहीं। तो यहाँ पे वो सिचुएशन आ गई कि अगर मैंने PNP एक्सेप्ट नहीं किया होता, राइट, 481 पॉइंट्स के साथ ही मैं पूल में बैठा होता, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने मेरे को बोल दिया था कि एक तरीके से आपके पास PNP का नॉमिनेशन है, नहीं आप अभी यहीं बैठो आराम से, हम PNP वालों को यू नो एक्सेप्ट कर रहे हैं, PNP वालों को ही कंसिडर कर रहे हैं। बट ये एक बहुत बड़ा फेज़ होता है कि अगर आपने एक बार PNP रिजेक्ट कर दी कि नहीं यार मुझे अप्लाई नहीं करना, मैं ऐसे ही खुश हूँ, तो वो वाला जो प्रोविंस है आपको दोबारा इट विल नेवर रीच यू आउट, कभी भी आपको रीच आउट नहीं करेगा वंस अगेन, राइट, एक बार अगर आपने रिजेक्ट कर दिया। और वो चांस मुझे यू नो थोड़ा सा लेना नहीं था, कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, बट नाउ जो भी सिचुएशन है मैं 1000 प्लस पॉइंट्स के साथ पूल में वापस था। कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कट ऑफ निकले सिर्फ उनके लिए जिनके पास PNP के ड्रॉज थे, उसमें ऑब्वियसली मेरा नाम आया, आई गॉट द ITA, मैंने अपनी टाइमलाइंस यू नो पुरानी वीडियोस में बता रखी हैं। तब मुझे गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है अब मैं आपकी एप्लीकेशन उठा रहा हूँ, अब मुझे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने स्टार्टिंग में अप्लाई करते टाइम पे अपनी इन्फॉर्मेशन भरी थी कि मैं 10 साल में यहाँ यहाँ रहा हूँ, ये जॉब्स करी हैं, इन इन कंट्रीज़ में घूमा हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है, वो मेरा पासपोर्ट है, जो भी है, राइट, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलेक्शन वाला एक नेक्स्ट स्टेज आती है एंड इस स्टेज में मेरे टाइम पे यू यूज़ टू गेट 90 डेज का टाइम, 3 महीने का टाइम आपको गवर्नमेंट देती थी कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने हमें बताया कि आप दोगे वो सारे आप कलेक्ट कर पाओ। अगर आप कलेक्ट नहीं कर पाए तो चांसेस होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन या तो होल्ड पे चली जाए या मोस्ट लाइकली रिजेक्ट हो जाए अगर आप 3 महीने में कलेक्ट नहीं कर पा रहे, राइट। लेकिन अब जो है ये 90 डेज की जो लिमिट है ये 60 डेज रह गई, तो अब 3 महीने नहीं है, अब 2 ही महीने हैं, अभी ये रिसेंटली मुझे पता चला। अभी जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन वाली स्टेज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी पूरी जन्म कुंडली चली जाती है, अब इसके पीछे मैं आपको एम्फेसिस बताता हूँ।
ये डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ आपके एम्प्लॉयमेंट के या एड्रेसेस के नहीं देने कि आप कहाँ कहाँ रहे हो. अगर आप जैसे आयरलैंड में हो, मैंने आयरलैंड से अप्लाई किया था, तो आपको आयरलैंड की हिस्ट्री कि आप कहाँ कहाँ रहे हो वो सारी की सारी आपको बतानी पड़ेगी. आयरलैंड से आपको PCC लेना पड़ेगा कि भाई आपका कोई पुलिस या क्रिमिनल फॉर दैट मैटर रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई चोरी वगैरह तो नहीं करी, कोई क्राइम तो नहीं किया. ना केवल इतना, आपको अपनी मेडिकल असेसमेंट, एक मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ता है. तो आपको यहाँ पे किसी ना किसी हॉस्पिटल में जाके अपनी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. तो आपका फुल बॉडी स्कैन करेंगे, चेस्ट स्कैन, हेड स्कैन, ये वो सब कुछ, एवरीथिंग, दे स्कैन एवरीथिंग, राइट. आपकी हाइट स्कैन करेंगे, सब कुछ करेंगे ये जानने के लिए कि यार आपको कोई इंटरनली ऐसी कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है. क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को होती है और फिर वो यहाँ पे जाके यू नो फ्री हेल्थ केयर है ये वो, यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी वाली बात आ जाती है, राइट. तो मच बेटर है कि आप पहले से डिस्क्लोज कर दो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो मेरे ग्लासेस हैं, ये तक मेरे डिस्क्लोज हुए थे एप्लीकेशन के अंदर कि यार ये लड़का आ रहा है, इसको चश्मा लगा हुआ है, इसकी चश्मे का नंबर ये है और ये इतने टाइम से पहन रहा है. आपकी वेट, हाइट, BMI सब कुछ निकाली जाती है. वो सारी चीज़ें जो होती है वो आपकी विजिबिलिटी नहीं है, IRCC गवर्नमेंट को वो डायरेक्टली जाएगी, राइट. ना केवल इतना, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ECA, अभी तक आपने सिर्फ अपना जो ECA का जो नंबर होता है वो डाला था, अब आपको एक्चुअल में डॉक्यूमेंट देना है, अपलोड करना है उनके पोर्टल पे, राइट. पासपोर्ट अपलोड करना है, ये मेडिकल आपको अपलोड करना है, PCC आपका अगर आप इंडिया से आ रहे हो, या से फॉर एग्जांपल अगर आप 6 महीने से ऊपर किसी भी कंट्री में रहे हो, किसी भी फॉर दैट मैटर, चाहे आप किसी भी पर्पज से रहे हो, राइट, इंटर्नशिप करने गए हो, फॉर दैट मैटर जो भी कुछ करने गए हो, आपको हर उस कंट्री से PCC लेनी है और आपको वो अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी होगी. अब आई थिंक ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा वाइटल फेज है, वाइटल स्टेज है. एक डॉक्यूमेंट आपका इधर से उधर हुआ, एप्लीकेशन को बहुत बड़ा यू नो झटका पड़ता है. बाकी जब मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके अपलोड कर दिए थे एंड आई वो सैटिस्फाइड कि यार जो कुछ भी मैं इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना या दिखाना चाहता था वो सब मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, नाउ इज द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ वेट. अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे. अब गवर्नमेंट यहाँ पे अपना स्वीट टाइम लेती है प्रॉपर एप्लीकेशन को चेक करने में. वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेगी, आपके एम्प्लॉयर्स को कॉल करके यू नो वेरीफाई करेगी कि आप ये बंदा आपके वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर आपने मान लो यहाँ पे एक ये भी रिस्ट्रिक्शन आती है कि अगर जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ मैं डेटा साइंस में हूँ लेकिन कर मैं डिजिटल मार्केटिंग रहा हूँ, तो उन दोनों की जो स्ट्रीम्स हैं वो अलग है. तो अगर मैं अपनी डेटा साइंस की स्ट्रीम डाल रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन में बट आई एम नॉट वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, राइट, ये सारी डोमेन में अगर मैं वर्क नहीं कर रहा तो दैट इज़ अ मिसमैच. तो वो भी गवर्नमेंट चेक करती है. तो मैं वही आपको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा पिटफॉल्स होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो यू नो डिस्कार्ड हो जाए. तो सारी की सारी चीज़ें सच बता के चलनी पड़ती है. बाकी यहाँ पे आपको इस स्टेज में खूब वेट करना है, दे विल टेक देयर टाइम. अगर उनको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको ईमेल आ जाएगा कि यार ये वाला डॉक्यूमेंट आपका मान लो एक्सपायर हो गया या ये वैलिडेट हो नहीं रहा या जैसे भी है, अगर आप रीइशू करो, रिफ्रेश करके यू नो रिफ्रेश वर्जन जो है डॉक्यूमेंट कर आप अपलोड करो, देन दे वंस अगेन टेक सम टाइम, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे. वंस द गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली हैप्पी, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी आपने अप्लाई किया है, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एवरीथिंग लुक्स गुड, तब आपको गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ लेके चलती है विच इज़ बायोमेट्रिक्स. बायोमेट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, आपको अपने सारे उंगलियों के जो है वो प्रिंट्स देने हैं, वो आपको 30 डेज का टाइम देती है. बेसिकली दे सेंड यू अ लेटर कि ये वाला लेटर लेके आप किसी भी VFS या VAC वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में कैनेडियन अफिलिएटेड में आप जाओ, अपने बायोमेट्रिक्स दो और उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपका बायोमेट्रिक्स अपलोड करेंगे. अगर आपको हल्का सा याद हो, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताई थी जब मैंने आपको फीस के बारे में सारा बता रहा था, जो आपने पैसे दिए हैं उस टाइम पे एप्लीकेशन के टाइम पे, उस टाइम पे बायोमेट्रिक्स की फीस उसमें इंक्लूडेड थी, राइट. तो अब जब आप बायोमेट्रिक्स एक्चुअल में दोगे, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, राइट. गवर्नमेंट आपको लेटर देगी, आप जाओ बायोमेट्रिक्स दो, दे विल अपलोड इट यूजुअली इन द सेम डे. बेसिकली सेम डे क्या, मैं आपको बोलूँ 2-3 घंटे में आपकी एप्लीकेशन पे आ जाता है कि यार इस बंदे ने बायोमेट्रिक्स दे दिया, और वो बायोमेट्रिक्स के हिसाब से फिर वैलिडेट करते हैं, दे हैव देयर डिफरेंट कनेक्शंस टू द डेटाबेस कि यार ये बंदा कहीं इलीगल वो तो नहीं गया, कहीं इलीगल कंट्री में कहीं उसने XYZ जगह पे स्टे किया हो, टाइम से ज़्यादा स्टे किया हो, राइट. वो ये सारी चीज़ें वैलिडेट करते हैं आपकी आई स्कैन करके, आपके फेस को मैच करके, जो भी उनका सॉफ्टवेयर या सिस्टम होता है फॉर दैट मैटर, वो उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं. तो वंस दे आर हैप्पी कि हाँ यार बंदा एब्सोल्युटली क्लीन है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, देन दे गिव यू अ रिक्वेस्ट फॉर पासपोर्ट, राइट, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड एज PPR. मैंने एज यूजुअल अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी अपनी टाइमलाइन एक्सप्लेन कर रखी है. पासपोर्ट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपको कह रही है यार आई एम कम्प्लीटली सेटिसफाइड विद वॉट यू हैव गिवन अस, राइट, द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव शेयर विद अस, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ओके, एवरीथिंग लुक्स ओके, यू आर अ जेन्युइन पर्सन, नाउ प्लीज गिव अस द पासपोर्ट जिसपे हम आपको सिंगल एंट्री वीज़ा लगा के दे सके, राइट. वो सिंगल एंट्री कहाँ काम आता है वो मैं आपको अभी एक सेकंड में बताता हूँ. बाकी अब आप उसको यू नो अपने एक पार्सल में पासपोर्ट जो है अपनी कैनेडियन गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद फ्यू अदर डॉक्यूमेंट्स, एक आपको फोटो देनी पड़ती है वगैरह, ये 2-4 चीज़ें और होती है, आपको लेटर में ऑलरेडी एक्सप्लेन होगा, वो सारी चीज़ें आपको सेंड करनी पड़ती है VFS या फिर VAC, और VFS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्बेसी में सेंड करेंगे आपका पासपोर्ट, राइट.
जब एम्बेसी में जाता है दे टेक देयर टाइम यूजुअली जो है वो 3 weeks to 4 weeks होता है देन दे गिव यू बैक योर पासपोर्ट एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी. इतना बड़ा एक डिग्री जितना बड़ा आपको एक लेटर मिलता है विच स्टैंड्स फॉर कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी. उसका मतलब ये है कि आप परमानेंट रेजिडेंट अभी हुए नहीं हो, यू आर कन्फर्म्ड कि आप बन जाओगे, राइट? यू आर कन्फर्म्ड कि आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाओगे, राइट? प्लस आपके पासपोर्ट पे सिंगल एंट्री वाला एक आपको वीज़ा स्टिकर लग के मिलता है. वो जो सिंगल स्टैम्प जो आपको लग के मिलता है दैट इज़ वैलिड फॉर रफली अराउंड 4 to 5 months, 6 months भी होता है किसी किसी केस में, बट ऐसा मत समझना कि 3 साल के लिए वैलिड होगा. उस स्टिकर का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि आप कंट्री में एक बार आओ, कंट्री में रहो, पीआर कार्ड अपना अप्लाई करो, पीआर कार्ड जो आपको एक्चुअल में मिलता है कार्ड लो एंड देन यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो उसके बाद आपको ऑब्वियसली यू नो यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा, तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपके वीज़ा के यू नो जो स्टिकर वीज़ा है उसकी. अब जो है इसके बाद एक लास्ट स्टेज आती है जो मेरे टाइम पे थी, जब मुझे COPR कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, देन इट्स अप टू मी कि मुझे इस 5 या 6 months की ड्यूरेशन के अंदर फ्लाइट बुक करनी है एंड देन आई हैव टू जस्ट ट्रैवल टू कैनेडा, राइट? जब आप ट्रैवल करते हो और वहाँ पे आपको जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो वैसे ही आपको पकड़ लेंगे, हाँ जी भाई व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो. तो आपको वहाँ पे आपको बताने कि आई एम अ कन्फर्म्ड परमानेंट रेजिडेंट, आई हैव अ COPR, ठीक है? वो आपको एक उनका एक अलग से चेंबर बना होता है, वहाँ लेके जाते हैं एंड देन दे वेरीफाई फ्यू थिंग्स, राइट? कि आप अपना पासपोर्ट दिखाओ, कौन सी फ्लाइट से आए हो, अपना COPR दिखाओ, राइट? वो ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि COPR आपने किसी का फोटोकॉपी तो नहीं करा लिया, फोर्स तो नहीं कर लिया फॉर दैट मैटर, आप एक्चुअल में जेन्युइन यू नो आप हो ना, जेन्युइन जो आपने बताया है अपनी एप्लीकेशन में, उनके सिस्टम में आपका फेस रहता है, वो डायरेक्टली आपको सामने देख रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ वेरीफाइड एज वेल. और वहाँ पर वो क्या करते हैं, आपका जो COPR है उस पर डेट डाल देते हैं कि आप इस डेट को, जिस भी डेट को आपने लैंड किया है, राइट? मेरे केस में 28th of April था, जिस भी डेट को आपने लैंड किया है वहाँ पे आपके COPR डॉक्यूमेंट के ऊपर वो डेट डाल देते हैं कि आप परमानेंट रेजिडेंट बने हो 28th of April को, जिस डेट को लैंड किया है, राइट? यहाँ बहुत कन्फ्यूजन आती है कि यार जब मेरे को COPR मिल गया आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट. अरे नहीं भाई, जब आप लैंड करते हो दैट इज़ व्हेन यू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा, राइट? और जो आपका स्टिकर वीज़ा होगा उस पर डायरेक्टली स्क्रैच मार देंगे, ठीक है? डायरेक्ट पेन से सीधा स्क्रैच मार देंगे कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ दिस वीज़ा एवर अगेन, ठीक है? और फिर आप कंट्री के अंदर आपको जाने की परमिशन होती है, आप जाओ एंड देन वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे पीछे से अप्लाई कर देते हैं पीआर कार्ड. आपको स्पेसिफिकली कोई भी एक्शन या स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है एक्सप्लिसिटली कि यार मुझे कहीं जाके पीआर कार्ड अप्लाई करना होगा ना. जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं जब भी आपकी यू नो COPR पे वो डेट डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में ट्रिगर होता है कि यार इस बंदे का पीआर कार्ड इशू किया जाए या नया बनाया जाए, राइट? आप अब ये जो वेटिंग है ये वंस अगेन 2 महीने 3 महीने, अब कोविड सिचुएशन में थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो मुझे टेक्निकली 3 महीने में पीआर कार्ड मिला. वंस यू हैव दैट पीआर कार्ड सारी की सारी चीज़ें डन है, ये आपकी स्टेज की एंडिंग होती है, ये आपकी जो एंटायर एप्लीकेशन है, एंटायर प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ है उसकी एंडिंग है, राइट? अब एक इसके बाद की मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेज बताता हूँ, हालांकि स्टेज नहीं है, एक छोटा सा एक बोनस में आपको यू नो टिप दे देता हूँ. जितने भी फेजेस हैं, राइट, मैंने जैसे पुरानी वीडियोस में बताया बहुत सारी टाइमलाइंस हैं, जितने भी फेजेस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं उसके अंदर अपने आप में कुछ कुछ स्टेप्स हैं, राइट? आइल्स लेने में अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज आता है, मेडिकल लेने में चैलेंज आता है, फिर PNP अप्लाई करने में चैलेंज आता है. तो ये हाई लेवल पे है, आप ऑलरेडी देख रहे हो वीडियो थोड़ी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, बट ये एक हाई लेवल पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जिससे मेरी एप्लीकेशन निकली है, राइट? किसी किसी की और स्मूथ हो सकती है लेकिन मुझे इतना टाइम लगा. बाकी अगर आप एक्चुअल में कंसिडर कर रहे हो कैनेडा टू अप्लाई एज अ परमानेंट रेजिडेंट, आप ऑब्वियसली रिसर्च कर सकते हो, अप टू यू, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको प्राइवेट कुछ यू नो काउंसलिंग चाहिए मुझसे जैसे भी है, यू कैन ऑब्वियसली चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. बाकी इसके अलावा आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प या यू नो थोड़ा सा बेनिफिट इस कॉन्टेंट से, इस वैल्यू से आपको मिला होगा. अगर मिला है तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू वॉच द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू.